नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज। अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर अखिल भारतीय परिषद के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका। फरीदपुर बरेली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शाम को नगर के स्टेशन रोड के चौराहे पर पहुंचकर पत्रकार अर्णब गोस्वामी की हुई गिरफ्तारी के विरोध में जमकर प्रदर्शन करते हुए महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका और विरोध में जमकर नारेबाजी की तथा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर जल्दी अर्णब गोस्वामी की रिहाई नहीं की गई तो संगठन धरना प्रदर्शन करेगा और एक बड़ा आंदोलन भी करेगा। इस मौके पर शेखर मिश्रा, सूरज मिश्रा, अविनाश पांडे, शुभम मिश्रा, देव जायसवाल, रचित शर्मा, राज गुप्ता, अजय प्रताप सिंह, अमन चंदेल आदि लोग मौजूद रहे। संवाददाता रियाज अली के साथ मैं विमलेश शर्मा, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज, हर खबर आप तक। आज हम सभी ने इस बरेली जिले की फरीदपुर इकाई के द्वारा जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं श्री अर्णब गोस्वामी जी, उनकी महाराष्ट्र सरकार में उनकी जो है बिना वारंट के उनकी गिरफ्तारी की गई है, जो कि पूर्णतः अवैध है। मैं तो इस चीज़ को यही कहना चाहता हूँ कि ये पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई है। इसको जैसे इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, मैं तो उसको दूसरी इमरजेंसी कहता हूँ। और अर्णब गोस्वामी जी की रिहाई के लिए पूरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करती है, खुलकर मांग करती है। और अगर इसके बावजूद भी रिहाई नहीं करती है तो उसके खिलाफ उग्र आंदोलन होगा, जैसा कि हमारे तेजी संयोजक शुभांकर मिश्रा जी ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन होगा, अधिकारियों के आदेश पर हम लोग वहां करेंगे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो महाराष्ट्र सरकार है इसको पूरी तरीके से होश में आ जाना चाहिए, वरना अंजाम देने के लिए तैयार रहना चाहिए। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। कि महाराष्ट्र सरकार ने कल प्रातः उद्धव ठाकरे के कहने पे या किसी के भी कहने पे हमारे अर्णब गोस्वामी जी जो रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर हैं और एमडी हैं उन्हें उठा लिया है सुबह प्रातः, जबकि उन्हें चप्पल वगैरह कुछ भी नहीं पहना है, बिना वारंट को उठा लिया गया, जबकि उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है किसी भी प्रकार का। ये एक तरीके से साजिश है उनकी आवाज दबाने की, लोग की आवाज दबाने की, लोकतंत्र की आवाज दबाने की। ये पूर्णतः संविधान के खिलाफ है, ऐसा हमें संविधान में अधिकार नहीं है कि हम किसी की आवाज दबा सकें। हमें ये अभिव्यक्ति की आजादी मिली है जिस पे हमेशा कांग्रेस रोना रोती रही है कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या है हमारी, अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है। पहले बीच में किसी ने कुछ बोल दिया था तो उसने मैरिज बात कर दी कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। अब आज हमारा जो अर्णब गोस्वामी पत्रकार है उसे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, पत्रकार लोगों के लिए अभिव्यक्ति की आजादी नहीं रहेगी तो किसके लिए रहेगी भाई। मेरा ये क्वेश्चन है महाराष्ट्र सरकार से सीधा सीधा कि जब पत्रकार लोगों के लिए अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है तो किसके लिए है, मुझे इसका जवाब दें उद्धव ठाकरे, और जल्द से जल्द उन्हें रिहा करें वरना ये आक्रोश दिनों दिन बढ़ता जाएगा। अभी तो हमारे बरेली मतलब पूरे जिले से तहसीलों से फिर गांव पहुंचता जाएगा। अगर रिहाई नहीं होती तो फिर क्या किया जाएगा, विद्यार्थी परिषद की ओर से हम वहाँ कुछ भी करेंगे, हमारे ऊपर के अधिकारियों से बात करके हम वहाँ पे कुछ भी करेंगे अगर आवश्यकता पड़ती है तो।